तो स्टूडेंट्स, ये एस सी वर्मा चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड्स 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रेस्पेक्टिवली। दो वेक्टर हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हम लोगों को, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको सिंपली ए लिख लेंगे, ये 3 दिया हुआ है। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हम लोगों को 4 यूनिट दिया हुआ है। तो व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम, ये दो जो वेक्टर है इन दोनों के बीच में क्या एंगल हो, ये थीटा हम लोगों को निकालना है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, और इन दोनों से जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को दिया हुआ है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये गिवन है, और ये कितना गिवन है, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये 1 यूनिट ये हम लोगों को गिवन है। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम लोगों को आर की वैल्यू ये 1 यूनिट दी हुई है, 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 cos थीटा। वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो वी विल स्क्वायर बोथ साइड्स, तो 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24 cos थीटा। फ्रॉम हेयर वी विल गेट 24 cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25, 24 cos थीटा इज इक्वल टू -24 एंड cos थीटा इज इक्वल टू -1 विच विल गिव थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। cos थीटा इज इक्वल टू -1, इट मीन्स थीटा इज 180 डिग्री। देयरफॉर द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, ए वेक्टर दिस इज बी वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री।